बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन डायनासोर रहता था। वह आसमान में उड़कर अपना शिकार किया करता था। एक बार जंगल के कुछ जानवर एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। अरे, इस सिम्बा डायनासोर ने तो जीना मुश्किल कर रखा है, इसका क्या किया जाए? हाँ, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो यह एक एक करके सब जानवरों को मारकर खा जाएगा। वह सब ये बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से वह ड्रैगन डायनासोर आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो फिर आ गया, भागो यहाँ से। सभी जानवर वहां से भागने लगते हैं। डायनासोर भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते वह एक हिरण को उठा लेता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं एक एक करके सबको खा जाऊंगा। हा। सिम्बा डायनासोर फिर हिरण को लेकर नीचे उतरता है और उसे खाने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पूरे हिरण को चट कर जाता है। जंगल के जानवर सिम्बा डायनासोर से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर सभी जानवर एक मीटिंग बुलाते हैं और सिम्बा डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए इसके बारे में बात करने लगते हैं। अरे, अगर ये सिम्बा ऐसे ही जानवरों को मारकर खाता रहा तो जंगल से जानवर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। तभी एक भालू बोलता है, मैं किसी को जानता हूँ जो इस ड्रैगन डायनासोर को मजा चखा सकता है, लेकिन हम सबको वहां उसके पास जाना होगा और उससे रिक्वेस्ट करनी होगी, शायद वो हमारी मदद कर सके। हम सब तैयार हैं भालू भाई, आप हमें वहां ले चलो। फिर वह सभी उस प्राणी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद वह सभी उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक जादुई उड़ने वाला दानव था जो आकाश में उड़ता था। आकाश में उड़ते हुए जब वह जंगल के जानवरों को देखता है तो नीचे उतर आता है। सभी जानवर उस उड़ने वाले दानव को अपनी परेशानी बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। मैं उस ड्रैगन डायनासोर को देख लूंगा। अभी तुम सब जाओ, मैं जल्दी ही आकर उस ड्रैगन को सबक सिखा दूंगा। सभी जानवर वहां से अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। अगले दिन जानवर अपने अपने कामों में बिजी थे कि तभी वह ड्रैगन डायनासोर वहां आ जाता है और एक बकरी को उठाकर ले जाता है। सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। ड्रैगन डायनासोर बकरी को खाने के लिए दूर जाकर नीचे उतरता है। तभी वहां पर वह उड़ने वाला दानव पहुंच जाता है। इस बकरी को छोड़ दे दुष्ट डायनासोर, अगर तुझ में हिम्मत है तो आजा मुझसे मुकाबला करके दिखा। फिर ड्रैगन डायनासोर और उड़ने वाले दानव में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर आग बरसाने लगते हैं। उड़ने वाला दानव जादुई था। वह आग का बड़ा सा गोला बनाकर उस ड्रैगन डायनासोर की ओर फेंकता है। ड्रैगन डायनासोर उस आग के गोले से बच नहीं पाता है और वह आग का गोला उस डायनासोर के आर पार निकल जाता है और वह ड्रैगन डायनासोर आग में जलने लगता है और जलते जलते वह नीचे जमीन पर जा गिरता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। इस तरह से उस ड्रैगन